औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ू के फ़राइज़ सुन्नत और वज़ू करने का मुकम्मल तरीक़ा। वज़ू के फ़राइज़, नंबर एक, वज़ू के लिए नियत करना। नंबर दो, पूरा चेहरा धोना। नंबर तीन, कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। नंबर चार, पूरे सर का मसा करना। नंबर पाँच, दोनों पैरों को टखनों तक धोना। नंबर छः, तरतीब से वज़ू करना, मतलब वज़ू के जो फ़राइज़ हैं उनको सीरियल वाइज अदा करना। नंबर सात, वज़ू को एक साथ पूरा करना, मतलब वज़ू के एक भी फ़राइज़ को पूरा करने के बाद तुरंत दूसरे फ़राइज़ को करना। वज़ू के एक भी फ़राइज़ छूटना नहीं चाहिए। अब हम चलिए जानते हैं कि वज़ू की सुन्नतें क्या है। वज़ू की सुन्नतों को जानने के लिए, नंबर एक, नियत करना। नंबर दो, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर तीन, नींद से उठने के बाद वज़ू बनाने से पहले हाथों को धोए फिर वज़ू बनाना शुरू करें। नंबर चार, मिसवाक करना। नंबर पाँच, कुल्ली करना। नंबर छः, नाक में पानी लेना। नंबर सात, पूरे सर का मसा करना। नंबर आठ, दाढ़ी में खलील करना ताकि कोई भी बाल सूखा ना रह जाए। नंबर नौ, उंगलियों का खलील करना। नंबर दस, कानों का मसा करना। नंबर ग्यारह, हर एक अज़ा को एक बार धोना फ़र्ज़ है और तीन बार धोना सुन्नत है। नंबर बारह, दाएं हाथ और पैर को पहले धोना और बाएं हाथ और पैर को बाद में धोना। नंबर तेरह, वज़ू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ना। वज़ू करने का मुकम्मल तरीक़ा, नंबर एक, तीन बार अपने हाथों को कलाई तक धोएं। नंबर दो, सीधे हाथ से तीन बार कुल्ली करें। नंबर तीन, सीधे हाथ से तीन बार नाक में पानी डालें। नंबर चार, तीन बार चेहरे को धोएं। नंबर पाँच, तीन बार दोनों हाथों के कलाइयों तक धोएं। नंबर छः, सर का मसा करें और फिर कानों का खलील करें। नंबर सात, दोनों पैरों को तीन बार टखनों तक धोएं। इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को शेयर करें और वज़ू के पूरे फ़राइज़ सुन्नत और मुकम्मल तरीका जानने के लिए शुक्रिया।